एक्शन। आज की हमारी डिबेट का टॉपिक है ट्रिपल तलाक। एक बार में दी जाने वाली तलाक इस्लाम में जायज है या नाजायज? मेरा यह मानना है कि हमारा जो समाज है वो मर्दों का बनाया हुआ समाज है, और मर्दों ने अक्सर औरतों को कमजोर पाकर उन पर ट्रिपल तलाक के नाम पर ज्यादतियां की है। पर ये लोगों की बुराई है, कानून की बुराई नहीं है। पिछले लगभग 1400 सालों से ट्रिपल तलाक हमारी शरीयत, हमारे समाज का हिस्सा रही है। राजाओं ने अपनी रानियों को, रईसों ने अपनी बेगमों को, और आम आदमियों ने अपनी बीवियों को तलाक दिए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोगों को हमारी शरीयत का यह कानून बुरा लगने लगा? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? कहीं ये हमारी शरीयत में दखल देने की कोई कोशिश तो नहीं है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए साहब, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। आखिरी जुमला कहकर अपनी बात पूरी करूंगा दोस्तों। देखिए, जो शादी 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कहने पर वजूद में आ जाती है, तो वो 3 बार तलाक 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 कहने से टूट क्यों नहीं सकती? अल्लाह हाफिज़।